अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्राउंड रियलेटर्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी विज़िट करवाऊंगा, 10 मरले का ये खूबसूरत घर जिसकी लोकेशन बहरिया टाउन फेस 7 इस्लामाबाद है। व्यूअर्स, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि कोई ऐसा घर दिखाएं जो फेज़ 8 काफ़ी दूर हो जाता है, जो बिल्कुल फेज़ 7 से GT रोड से नज़दीक हो, जिसकी एक्सेस इस्लामाबाद हाईवे से करीब हो। तो व्यूअर्स, ये वो घर है, आपको 3-4 मिनट्स लगेंगे यहाँ से, बिल्कुल साथ ही मेन GT रोड है, राबी सेंटर है, सिटी स्कूल है और भी बहुत कमर्शियल जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। बहुत प्राइम लोकेशन है, वन ऑफ दी प्राइम लोकेशन ऑफ बहरिया टाउन फेस 7 इस्लामाबाद। फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं तो व्यूअर्स, 2-टोन कलर कॉम्बिनेशन में आपको जो है वुडन टेक्सचर में टाइल्स के साथ लाइट कलर कॉम्बिनेशन में जो है टाइल्स का यूज़ मिलता है फ्रंट एलिवेशन पे। फिर आप इसका गेट देख सकते हैं, आपको स्लाइडिंग गेट मिल जाता है जो फ्रंट एलिवेशन से, जो बिल्कुल मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन में जिसको डिज़ाइन किया गया है। 3570 प्लॉट की डायमेंशन है, 10 मरले का एक खूबसूरत 5 बेडरूम एक प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है ये। बाहर आप एक्सटर्नल लॉन जिसका एरिया देख सकते हैं, उसके बाद आपको जो है टफ टाइल का यूज़ मिल जाता है इसके जो एक्सटर्नल जो बाहर रैम्प एरिया है। तो व्यूअर्स, घर के अंदर एंटर होते हैं तो आपको व्यूअर्स ये देख सकते हैं, बिल्कुल स्लाइडिंग डोर आपको मिल जाता है जो घर के बिल्कुल जो है कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच कर रहा है। व्यूअर्स, 4.80 करोड़ रुपए इस घर की आस्किंग प्राइस है। वीडियो को एंड तक देखें, घर की बाकी स्पेशलिटीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में ही शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं इसमें टाइल्स का यूज़ किया गया है इससे कार पोर्च पे। लेफ्ट पे हमारे पास व्यूअर्स एरिया आ जाता है इसका साइड गैलरी एरिया, इधर भी आप एक गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं। इधर आप देखें क्या खूबसूरत पैचेस में आर्टिफिशियल ग्रास को जो है यहाँ पे प्लेस किया गया, उसके साथ जो है ट्रेवर्टाइन मार्बल का यूज़ किया गया है, वाटर टैंक एरिया और इजीली 2 गाड़ियों की जो पार्किंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सीलिंग एरिया आप देखें इसका, उसके बाद जो है साइड गैलरी एरिया जाता है हमारे पास। यहाँ से जो है किचन की इसकी एक्सेस है, बैक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड पे अब भी आपको लॉन्ड्री के लिए स्पेस मिल जाती है। तो व्यूअर्स, वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है बहरिया टाउन फेस 7 इस्लामाबाद की। वन सेकेंड मैं आपको गाइड कर दूँ, बहुत करीब इसकी एक्सेस है GT रोड से, राबी सेंटर से और स्कूल्स वगैरह तमाम कमर्शियल्स आपको एक शॉर्ट डिस्टेंस पर मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, जहाँ से हमारे पास जो है इसकी मेन एक्सेस है ग्राउंड फ्लोर की, लेफ्ट साइड से हमारे पास जो है ड्राइंग रूम की एक्सेस है रास्ता है, यहाँ से हमारे पास जो है इसका फर्स्ट फ्लोर। अगर फ्यूचर में आप इसको ख़रीद के रेंट आउट करना चाहते हैं एक पोर्शन को, तो आपके जो टेनेंट्स हैं वो ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे, और ग्राउंड फ्लोर आपके पास होगा तो आप ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे। पहले बात करते हैं मेन एंट्रेंस, आप देख सकते हैं खूबसूरत सॉलिड जो है वुड में मेन डोर को डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एंटर होते साथ ही अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा राइट साइड पर व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टेयर एरिया है, आप देख सकते हैं स्टेयर केस ये डोर बना हुआ है। वंस अगेन अगर आप इसको पार्टीशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पार्टीशन करके कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ प्रॉपर डबल यूनिट हाउस, बस एक अपने बस पार्टीशन करनी है, वो भी अगर आपको ज़रूरत है, आप 2 फैमिली रहना चाहते हैं तो आप पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पे आप देखें इसका लॉबी एरिया, मैं अगर आपको दिखाऊँ ये इसका लॉबी एरिया, खूबसूरत शैंडलियर मिल जाता है आपको इसके बिल्कुल स्टार्ट में। उसके बाद सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत मिरर प्लेस किया गया है, वॉलपेपर 3D यूज़ किया गया थीम वॉल पे इसकी। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, उसके बाद बिल्कुल राइट साइड पर जो है हमें इसका पाउडर वॉशरूम मिल जाता है। व्यूअर्स, ये देखिए क्या खूबसूरत जो है आजकल पाउडर वॉशरूम में भी आपको कंसील्ड सीट्स मिल जाती हैं, अच्छी एक्सेसरीज मिल जाती हैं। उसके बाद व्यूअर्स मैं बात करता हूँ इसके जो मेन हमारे पास इसकी TV लाउंज की स्पेस है ग्राउंड फ्लोर पे, और आपको वंस अगेन खूबसूरत ये कन्वर्टेबल ड्राइंग रूम मिल जाता है, स्लाइडिंग जो है ये आपको गेट डोर मिल जाता है, इसको आप ओपन कर देंगे तो आपका जगह स्पेशियस हो जाएगी, सेटिंग एरिया आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्लोज कर देंगे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर क्लोज आपको TV लाउंज और ड्राइंग रूम मिल जाएगा। मैं आपको अगर ओपन करके दिखाऊँ तो ये देखें सेम टाइल्स का यूज़ किया गया है और खूबसूरत सीलिंग है। फिर इसकी थीम वॉल देखें, आपको 3D वॉलपेपर का यूज़ मिल जाता है। फिर आपको ये जो है वुडन टेक्सचर में डिज़ाइन किया गया है, इसको पीछे जो है फाइबर शीट के साथ वॉर्म लाइट का यूज़ किया गया है। तो व्यूअर्स, अगर आप एक्सेस डिफरेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है इसका रास्ता है पोर्च से, अगर आप मेन एक्सेस नहीं यूज़ करना चाहते तो ये बिल्कुल पोर्च से भी एक्सेस है इसकी। उसके बाद व्यूअर्स
सॉलिड जो है ग्रिल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद विंडोज़ हैं, आपको हर मेन गेट पे, मेन डोर, मेन विंडो पे इसका अलार्म मिल जाएगा, सिक्योरिटी अलार्म। तो व्यूअर्स यहाँ से आपको दिखाता हूँ इसका जो प्रॉपर ड्राइंग रूम की स्पेस है, ये एरिया है कवर्ड एरिया ड्राइंग रूम का। अब हम मूव करते हैं आगे टीवी लाउंज की तरफ। तो आपको सेम व्यूअर्स ये टाइल नहीं लगी हुई, 3D वॉलपेपर है, अगर आपको दूर से लगता है टाइल लगी हुई है लेकिन ये वॉलपेपर है। उसके बाद खूबसूरत जो है सेम वे में जो है जिस तरह ड्राइंग रूम की थीम बोलती उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। खूबसूरत शैंडेलियर है आपके पास, दो फैंस है सीलिंग पे, वार्म प्लस वाइट लाइट का यूज़ किया गया है। सामने जो है इसकी मीडिया वॉल है। यहाँ से देखिए आपको ओपन किचन मिल जाता है, अब इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहें तो पार्टीशन कर सकते हैं। व्यूअर्स दो बेडरूम्स हैं हमारे पास इसके ग्राउंड फ्लोर पे। बेडरूम विजिट करते हैं, आपको स्पेशल चीज़ बताऊँ तो मेन एरियाज हैं वहाँ पे एक तरह की टाइल है, किचन में टाइल डिफरेंट है और दोनों बेडरूम्स में भी डिफरेंट टाइल यूज़ की गई है। बेडरूम नंबर वन है, वुडन टेक्सचर में आपको टाइल मिल जाती है, लाइट कलर कॉम्बिनेशन में वॉलपेपर है। बैक पे जो है गैलरी एरिया है, ये इसकी विंडो है, सिक्योरिटी ग्रिल्स इसमें इंस्टॉल्ड है। वार्डरोब की स्पेस है सामने। वॉशरूम में आप देखें सेम टाइल्स का यूज़ किया गया है, आपको रेन शावर मिल जाता है, कंसील्ड सीट्स मिल जाती हैं, खूबसूरत वैनिटी सेटअप मिल जाता है, विंडो मिल जाती है, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है, जो एक वॉशरूम की रिक्वायरमेंट होती है ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाता है यहाँ पे। इस वॉशरूम में हमेशा डार्क का टाइल यूज़ करें ताकि आपका वॉशरूम अगर टाइल ख़राब हो जाती है तो इतनी वो नुमाया नहीं होती। ये सेकंड बेडरूम है, सेम टाइल का यूज़ किया गया वुडन टेक्सचर में। आपको इसमें मिनी सी जो है ड्रेसिंग के लिए भी स्पेस दी गई है, वार्डरोब की स्पेस है, साइड गैलरी एरिया। मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। खूबसूरत जो है मैट फिनिशिंग में टाइल्स का यूज़ किया गया, शावर एरिया में रेन शावर मिल जाता है, कंसील सीट्स मिल जाती हैं आपको। उसके बाद ये वैनिटी सेटअप देखें, आपको खूबसूरत लाइटनिंग मिरर के साथ एग्जॉस्ट फैन है, विंडो है, प्रॉपर एक जो बेडरूम वॉशरूम की रिक्वायरमेंट होती है ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। व्यूअर्स ये सेकंड बेडरूम था, अब हमारे पास बारी आती है इसके किचन की। तो ये आप किचन देखें, इसका ओपन किचन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर चौकाट दी गई है, स्पेस दी गई है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ओपन प्लस क्लोज कन्वर्टेबल है ये। फिर इसकी आप देखें ये शेल्फ देख सकते हैं जिसमें भी स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया गया है, स्टोव एरिया है, ऑटोमेटिक सेंसर्ड हुड है, विंडो है, एग्जॉस्ट फैन है वेंटिलेशन के लिए। फिर ये आपको प्रॉपर स्पेस दी गई है, यहाँ पे ये लेडर यूनिट देख सकते हैं इसका, और यहाँ से एक्सेस है इसकी साइड गैलरी की, अगर आपने लॉन्ड्री के लिए स्पेस चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट्स दी गई हैं, आपका फ्रिज और डबल डोर फ्रीज़र जो है उसकी प्रॉपर स्पेस दी गई है यहाँ पे। तो व्यूअर्स बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में जो है एक अच्छी कलर स्कीम में इसके जो किचन को डिज़ाइन किया गया टाइल्स के साथ जो है मैच करते हुए। तो व्यूअर्स ये हमारे पास था इस घर का ग्राउंड फ्लोर, मूव करते हैं टुवर्ड्स दी फर्स्ट फ्लोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। तो स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया गया है इसकी, आप देख सकते हैं हर स्टेयर्स के नीचे। व्यूअर्स इतना ये खूबसूरती जो है घर में इजाफा हो जाता है, इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन आप भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आप देखें क्या एक एलिगेंस आ रही है इसकी हर स्टेप पे लाइट की वजह से, और इतना आपको बिल नहीं आता इसका, इतनी महंगी नहीं होती है। तो एंटर होते साथ ही सेम एज ग्राउंड फ्लोर हमें जो है यहाँ पे इसका मैप मिल जाता है, सेम वे में किचन को डिज़ाइन किया गया है, दो बेडरूम्स हैं, मीडिया वॉल है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी वॉल है, नीचे हमारे पास ड्राइंग रूम था, यहाँ पे हमारे पास मास्टर बेडरूम है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से एंटर होते हैं यहाँ से, तो लेफ्ट पे हमारे पास आ जाता है इसकी टेरेस की स्पेस। ये टेरेस की स्पेस आ गई, उसके बाद ये हमारे पास मास्टर बेडरूम है इसका, ये चेक करें। ये इसकी वार्डरोब की स्पेस आ गई, छोटी सी आपको स्पेस मिल जाती है अगर आप यहाँ पे मिरर इंस्टॉल करके शीशा लगा के इसको ड्रेसिंग के लिए बनाना चाहते हैं। फिर वॉशरूम देखें इसका, ये विंडो है जो फ्रंट एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये चेक करें। कंसील सीट्स दी गई हैं, उसके बाद वैनिटी सेटअप है, लाइटनिंग मिरर मिल जाता है आपको, ये चेक करें। जो शॉवर एरिया वो सेपरेट किया गया और टाइल भी डिफरेंट लगाई गई है, डार्क टाइल लगाई गई है ताकि जो छींटे दीवारों में पड़ती हैं नीचे पड़ती हैं तो ज़्यादा नुमाया ना हो। फिर
एक कंस्ट्रक्शन भी जो है ना एक दिमाग से करनी पड़ती है, तो प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रही है एक प्लान तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, और बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है। 10 मरले के घर में आप इससे ज़्यादा बढ़ के जो है कंस्ट्रक्शन ही कर सकते। ये टीवी लॉन्च की स्पेस है, आप देखें सेम एज ग्राउंड फ्लोर। ये वॉलपेपर है, आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, इसको रिमूव कर देंगे तो आपको सेम जो है वाइट वॉश के साथ वॉल मिल जाएगी। सामने मीडिया वॉल इसकी देख सकते हैं। उसके बाद सेम किचन की स्पेस है, वही स्टेप लाइट का यूज़ किया गया, शेल्फ स्पेस, स्टोव एरिया है। फिर यहाँ पे आपको गैलरी के लिए स्पेस मिल जाती है, जो 2-2.5 फुट की जो गैलरी है, एज पर भेरिया कंस्ट्रक्शन लॉ आपको स्पेस छोड़नी पड़ती है 10 मरले में। उसके बाद आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं सेम एज ग्राउंड फ्लोर, सेम टाइल्स का यूज़ किया गया। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, सेम ईज एंड एवरीथिंग सेम है, बस इस फ्लोर में डिफरेंस ये था कि यहाँ पर जो है एक बेडरूम का इजाफा हो गया है ड्राइंग रूम की जगह। ये 3rd बेडरूम है। व्यूअर्स लोग कहते हैं वीडियो को शॉर्ट किया करें, लेकिन एक घर 10 मरले का अब 10-12 मिनट तो लग जाते हैं उसको दिखाने में। बाकी शॉर्ट क्लिप्स भी होती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत, मुझे इसकी टाइल का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया, जो वॉशरूम में यूज़ की गई है, ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, एक अच्छा जेंटल कलर है। तो ये जो टोटल विजिट था घर का, एक मेजर पार्ट है रूफ टॉप, वो रह गया, वो भी दिखा देता हूँ आपको। इसकी जो एक्सेस है वो यहाँ से है। बैक से भी अगर आप सर्वेंट के लिए रास्ता देने जाते हैं तो स्पाइरल स्टेयर्स जो आपकी गोल स्टेयर्स होती हैं वो इंस्टॉल्ड हो जाएंगी, आप सर्वेंट को वहाँ से एक्सेस दें और आप खुद ये वाला रास्ता यूज़ करें। भेरिया टाउन फेज 7 इस्लामाबाद, ये एरिया इस्लामाबाद में आता है और असल में आता है, बहुत प्राइम लोकेशन है ये, आप घर विजिट करें बिल्कुल। जिन लोगों की हमें बहुत ज़्यादा कॉल आती हैं कि घर हमारा जो है बिजनेस हमारे इस्लामाबाद में, ऑफिस हमारे इस्लामाबाद में है, सदर वाली साइड पे, तो उससे करीब घर हो तो बिल्कुल घर उसके करीब है। ये आप देखें रूफ टॉप की स्पेस, आपको वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्टोर रूम मिल जाता है, बैक पे जो है वाटर टैंक एरिया विद प्रेशर पंप इंस्टॉल्ड, यहाँ पे आपको जो है टेबल के साथ बेंच एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं, बारबेक्यू का पूरा रैक मिल जाता है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि खूबसूरत घर आपको पसंद आया होगा। 4 करोड़ और 80 लाख रुपए इस घर की आस्किंग प्राइस है। भेरिया टाउन फेज 7 इस्लामाबाद, नियर टू जीटी रोड, मॉस्क पार्क्स एंड कमर्शियल, वन ऑफ द प्राइम लोकेशन, 3 मिनट्स अवे फ्रॉम जीटी रोड। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।